हेलो दोस्तों, द नेक्स्ट प्लैनेट के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप विंडो 2007 के जो हमारा एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है, इसमें आप किस तरह से डेवलपर टैब को ओपन कर सकते हैं। मुझे कुछ दिनों पहले एक कमेंट आया था, उसमें मुझे पूछा गया कि सर आप प्लीज़ बताएं कि किस तरह से आप विंडो 2007 के जो एक्सेल के जो फीचर्स में जो रिबन टैब है उस पर आप किस तरह से डेवलपर ऑप्शन को लाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है। तो यहाँ पर जो डेवलपर टैब है वह भी एक हमारा यहाँ पर एक कस्टमाइज रिबन है, तो वह किस तरह से आएगा, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और सबसे ज़रूरी बात है वह है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यूज, ये सारे ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन नहीं है। तो उसमें हम लोग किस तरह से लाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको जाना है सबसे पहले ऑफिस बटन में। ऑफिस बटन में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एक्सेल ऑप्शन, तो इसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद में देखिए जो पॉपुलर का जो पॉपअप है, इसके बाद यहाँ पर जो शो मिनी टूल बार सिलेक्शन, इनेबल लाइव प्रीव्यू, और यहाँ पर देखिए दिखा रहा है शो डेवलपर टैब इन द रिबन। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे क्लिक करना है, इसको ओके करना है, और इसके बाद में देखिए यहाँ पर व्यू के बाद डेवलपर ऑप्शन भी हमारा आ गया है। इसके अंदर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं कुछ आने वाले वीडियोस में इससे रिलेटेड और कुछ ऑप्शंस ऐसा आपको दिखाऊंगा कि जिससे कि इसमें डेवलपर टैब का यूज़ होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।